Hello students, I am Rajesh Diyajare sir, and in standard 8 we will study poem number 3 in the first unit. Our title of this poem is If, and this poem is written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling is a very popular poet and writer. He was born in 1865 and he died in 1936. And this particular poem, that means If, is a motivational poem that first appeared in Rudyard Kipling's Rivers and Fairies in 1910. The poem offers a set of rules glorifying the utmost prerequisite for personal integrity and self-development, essential for all individuals. तो ये जो इफ पोयम है, ये एक मोटिवेशनल पोयम है, हमको प्रेरणा देने वाली पोयम है, और ये सबसे पहले रुडियार्ड किपलिंग की जो एक बुक है जिसका नाम था रिवर्स एंड फेरीज, इस रिवर्स एंड फेरीज बुक जो कि 1910 में पब्लिश हुई थी, इस बुक में सबसे पहले इफ यह पोयम पब्लिश हुई थी। और ये जो पोयम है, इस पोयम में कोई भी इंसान को अगर सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए, खुद का अगर विकास करना है, या जो भी खुद की लाइफ में एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका एक सेट, या जो भी जरूरी चीजें है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, वो इस पोयम में पोएट रुडियार्ड किपलिंग ने एक पिता और एक बेटा, मतलब कि फादर सन के डियो के माध्यम से बताया है। यहाँ पे ये जो फादर है, ये फादर मतलब कि ये जो पिता है, अपने बेटे से एक अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? अगर। इफ का मतलब ही होता है अगर। तो अब देखिए पोयम क्या है। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, इफ यू कैन ट्रस्ट यूर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, if you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies or being hated, don't give way to hating and yet don't look too good nor too wise. तो फादर यहाँ पे अपने बेटे से क्या कहते हैं कि जब आप पर सब लोग ब्लेम कर रहे हैं, जब आप पर सब लोग डाउट कर रहे हैं, जब आपको सब लोग गलत ठहरा रहे हैं और आपका पर का जो लोगों का विश्वास है वो उड़ गया है, उसके बावजूद आप अगर खुद पर विश्वास रख के, आप अगर सिर ऊंचा रख के, हम बोलते हैं ना सीधे सिर रख के रहो, तो उस तरीके से अगर आप एकदम एक दृढ़ निश्चय के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में अगर रह सकते हो, अगर आप में वो डिटर्मिनेशन, वो सिर खड़ा रख के रहने का अगर जज्बा है, अगर आप पर का जो लोगों का विश्वास है अगर वो उड़ चुका है, जब लोग आप पर डाउट मतलब कि शक कर रहे हैं और उसके बावजूद आप उन्हें शक करने की परमिशन भी दे रहे हो, उसके वजह से मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप किसी चीज का इंतजार कर करके थक गए हो और उसके बावजूद आप में वो चीज का इंतजार करने की अगर शक्ति है, जब आपके बारे में लोग झूठ बोल रहे और उसके बावजूद आपको उस झूठ से, आपके बारे में फैलाए गए झूठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब लोग आपकी इतनी नफरत कर रहे हैं और उसके बावजूद आप लोगों की नफरत नहीं कर रहे और लोग आपकी नफरत कर रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और मतलब कि इतना सब करना मतलब क्या है, एक बहुत अच्छा इंसान ही कर सकता है, राइट, बट उसके बावजूद आप बहुत ज्यादा ग्रेट या बहुत ज्यादा ही अच्छा हो ये भी दिखाना नहीं चाहते, और ना ही आप बहुत ज्यादा होशियार की तरह बातें करते हो इतना अच्छा रहने के बावजूद, ठीक है, इतना ऐसी चीजों में भी, इन परिस्थितियों में भी जो यहाँ पे कंडीशन डाली गई है, वो अगर रहने का, वो कंडीशन में जीने की अगर वो सन में अगर एबिलिटी है तो उसका रिजल्ट क्या होगा फिर आगे हमको मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टंजा में पोएट बोलते हैं, या वो फादर बोलते हैं अपने बेटे से, If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim,
इफ यू कैन मीट विद ट्रियम एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन twisted by knaves to make a trap for fools or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. फिर आगे poet क्या बोलते हैं या वो father अपने बेटे से क्या बोलते हैं कि जब आप सपने देख सकते हो पर उन सपनों को खुद का master या खुद पर हावी होने का आप वो मतलब हावी नहीं होने देते, ठीक है? आप सोच सकते हो पर अपनी सोच को एक सोच तक ही सीमित रखते हो, उसको एम अगर नहीं बनाते, ठीक है? जब आप ट्रियम्फ और डिजास्टर, ट्रियम्फ का मतलब विजय मतलब की विक्ट्री और डिजास्टर का मतलब फेलियर, यहाँ पे डिजास्टर का एक्चुअल मतलब होता है संकट आपदा, पर यहाँ पे डिजास्टर का मतलब है फेलियर मतलब की पराजय या हार। तो जब आप ट्रियम्फ और डिजास्टर मतलब आप जीत और हार दोनों को एक जैसा अगर सम्मानी रहे, दोनों को एक जैसा अगर जिस तरह हम रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों को एक जैसा जैसे हम समझते हैं ना, तो उस तरीके से जीत और हार के तरह ये जो दो चीजें है ड्रीम और थीम, जो दो इम्पोस्टर है, ये जो दो ढोंगी या बहुरूपी के तरह आपकी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में कोई भी सपना आ सकता है, हमारे मन में कोई भी सोच आ सकता है, कोई भी विचार आ सकता है। तो जब आप ये ड्रीम और थीम जो है मतलब थॉट जो है उन्हें जीत और हार के तरह एक जैसा मानते हो, एक जैसा ट्रीट करते हो, अगर आप जो आपके द्वारा या स्वयं के द्वारा जो बोला गया सच है वो सहन करने की अगर आप में शक्ति है, अगर आप वो कर सकते हो, या जो डिसऑनेस्ट लोग है, डिसऑनेस्ट लड़के रहे चाहे फिर इंसान रहे, मतलब कि नेव, नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट बॉयज या फिर मेन, तो उन लोगों के द्वारा अगर आप को फंसाया गया है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ट्विस्ट किया गया है, क्या बोलेंगे जालबाजी जो बोलते हैं ना, ऐसा कुछ किया गया है, और उसके बावजूद आप उसके वजह से बोल सकते हैं कि आपको बेवकूफ बनाया गया है, आपके जो डिसऑनेस्ट लोग हैं आपके आजू बाजू में उनके द्वारा, तो उसके बावजूद आप जो आपकी लाइफ को उसके वजह से अगर आपकी लाइफ पूरी टूट चुकी है, पूरी आपकी लाइफ खराब हो चुकी है, आप पूरे अंदर से टूट चुके हो जिंदगी में, और उसके बावजूद आप अगर क्या कर सकते हो, इतना पूरा हार जाने के बावजूद या पूरी हिम्मत आपकी निकल गई है, पूरी हिम्मत आपकी क्या बोलेंगे एक तरीके से आप टूट चुके हो, उसके बावजूद फिर से खड़ा होने की अगर आप में ताकत है, आप पूरे झुक गए हो फिर भी आपको खड़ा होने की, फिर से वही सोच डेवलप करने की अगर आप में एबिलिटी है, तो फिर और आगे थर्ड स्टैंजा में पोएट बोलते हैं, इफ यू कैन मेक वन हिट ऑफ ऑल योर मीनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टू देम होल्ड ऑन। फिर आगे पॉइंट क्या बोलते हैं कि अगर आपने अब तक जो भी आपके जिंदगी में अगर सफलता पाए हो, या अगर आपके पास में कोई सफलता है, या आपके पास कोई अवार्ड है, कुछ भी आपने जो भी जिंदगी में जमा पूंजी कमाए हो, जो भी है आपके पास सब कुछ जो भी है ना, जिस पर आपको खुद पर गर्व है या जो भी अच्छी चीज है, उसका अगर ढेर भी लगा देते हो, सारी सफलताओं का अगर आपकी जिंदगी भर की सफलताओं का या आपकी जमा पूंजी का अगर आपने ढेर रच दिए और उसके बावजूद आप वो सब एक टॉस करके, एक टॉस के ऊपर वो आपकी रहेगी, या फिर अगर आप एक टॉस की वजह से अगर हार गए, सिक्का उछाल दिए, अगर हेड आया तो आपका और टेल आया तो पूरा हार जाने का जो रिस्क है, कितने रिस्क अगर आप ले सकते हो, पूरी जमा पूंजी आपने एक टॉस के भरोसे रख दी है, कितने अगर आप अगर रिस्क रख सकते हो, और अगर मान लो आप हार गए, पूरी जीवन भरे की जमा पूंजी अगर आप लूज कर गए, हार गए, तो फिर से उसे शुरुआत से कमाने का या शुरुआत से अचीव करने का, शुरुआत से स्टार्ट करने का अगर आप में जज्बा है, और इतना ये जो अगर आप हार जाते हो सपोज, तो उस हार के बारे में एक बार भी आपको रिग्रेट करने का, पछतावा होने का या बोलने की आपको अगर जरूरत नहीं है, उतनी अगर एबिलिटी आप में है ना, तो इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, और अब अगर आप का सब कुछ आपने खो दिया, जब आपका
हार्ट नर्व और सिन्यू मतलब कि टिश्यू या पेशी जो रहती है हमारे बॉडी में, वो भी अगर आपके अगर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे, जब आप सब कुछ आपने गवा दिए उसके बावजूद अगर आप अपने हार्ट को, अपने दिल को, अपने नर्व्स को और अपने सिन्यू मतलब कि पेशियों को फोर्स कर सकते हो काय के लिए, अपनी लाइफ को लंबा जीने के लिए जो जरूरी है ना, तो उसके लिए कि नहीं अभी भी मुझ में हिम्मत है ये कहने के लिए। और उसके साथ साथ अब जब आप में कुछ भी बचा नहीं है, सब कुछ आपका लूट गया है, सब कुछ हार चुके हो आप, उसके बावजूद आप हिम्मत भी अगर हार गए हो, पर उसके बावजूद अगर आप में वो हिम्मत आप बचा के रखते हो, क्या कहने की जो आपको कहे कि होल्ड ऑन, अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी सब कुछ अच्छा हो सकता है, अभी भी सब कुछ खड़ा किया जा सकता है, ये अगर विल, ये अगर हिम्मत आप में अगर है, तो लास्ट में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो फिर वो जो फादर है वो अपने बेटे को बताते हैं लास्ट स्टैंजा में, इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच, इफ नाइदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यूर्स इज द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट एंड विच इज मोर, यू विल बी अ मैन माई सन। क्या बोलते हैं लास्ट में ये फादर अपने बेटे को या रुडयार्ड किपलिंग इस पोयम के जरिए, ये सब इतनी कंडीशन या इन विपरीत परिस्थितियों में को अगर हम इनसे इनसे अगर पॉजिटिवली अगर हम एटीट्यूड के साथ में अगर हम रह सकते हैं तो उसका नतीजा कितना ब्यूटीफुल है करके क्या बोलते हैं कि अगर आप पूरी भीड़ के सामने खुद की एक वर्च्यू, खुद की नैतिकता बनाए रखकर, खुद का एक हाई स्टैंडर्ड, एक अच्छा एटीट्यूड बनाए रखकर अगर बात करने की अगर आप में जज्बा है या वो अगर ताकत है, जब आप अगर किसी राजा के साथ में अगर चल रहे हो पर अपना जो कॉमन टच है, अपनी क्या बोले आप एक राजा के साथ मतलब अमीर इंसान के साथ में भी अगर चल रहे हो पर आप जो सच में हो, क्या हो, नॉर्मल कॉमन इंसान है ना, वो अगर आप बनाए रखते हो, उसे अगर आप नहीं भूलते, अगर आप अपने आपको दोस्त और दुश्मन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि आपको ना दोस्त से आप दुखी किसी बात से दुखी होते हो और ना दुश्मन की किसी बात से, खोज मतलब यहाँ पर मैंने दिखा नहीं हूँ, खोज का मतलब होता है एनिमी दुश्मन, तो चाहे दोस्त रहे चाहे दुश्मन रहे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों को एक जैसा अगर ट्रीट करते हो पर किसी को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और ज्यादा गलत भी नहीं मानते, सेम ट्रीट करने का मतलब ही वही हो गया है ना। और आप अपने दुश्मनों को या ये जो भी जिसने भी आपके साथ में बुरा किया है ना, जिसके वजह से भी आप हर्ट हुए हो, जिसको आप कभी जिंदगी में माफ नहीं करना चाहते, ऐसे इंसान को 60 सेकंड के अंदर अगर आप माफ कर देते हो है ना, तो एक मिनट के अंदर अगर आप माफ कर देते हो तो इतनी अगर एबिलिटी आप में अगर है तो आप की ही पूरी ये धरती और इस धरती पर पूरी सारी जो भी चीजें है ये सब पर आप ये सब पर आपका अधिकार रहेगा, ये सब आपकी हो जाएगी, मतलब कि ये पूरी धरती पर तुमने क्या बोलेंगे खुद का एक क्या बोल सकते हैं कि खुद का अधिकार पा लिया या ये पूरी धरती को तुमने जीत लिया, ये पोएट कहते हैं। और उससे भी बड़ी चीज मतलब कि पूरी दुनिया जितना जो बोलते हैं ना उस तरीके का आप में एक बदलाव आ जाएगा, और उससे भी बड़ी चीज आपके जीवन में वो होगी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो ये कि आप एक बहुत अच्छे इंसान बनोगे, यू विल बी अ मैन माय सन, बोलते बेटा तुम एक बहुत अच्छे आदमी बनोगे, सही आदमी, एक जो प्रॉपर आइडियल इंसान जो बनना चाहिए वो आप बनोगे। तो इस पोएम के जरिए रुडयार्ड किपलिंग जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाहते हैं कि एक अच्छा इंसान, एक आइडियल मैन बनने के लिए हमने विपरीत परिस्थितियों में भी खुद पर का आपा नहीं होना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि हम अच्छे इंसान के रूप में हमारी लाइफ एक बेहतर जीवन हम जी सकते हैं, ये रुडयार्ड किपलिंग इस पोएम के माध्यम से हमें बताते हैं। रुडयार्ड किपलिंग जो है वो जैसा कि अपन ने उनका जन्म और डेथ के बारे में तो स्टार्ट में बात कर ली है, ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर थे और पार्ट टाइम में राइटिंग का काम करते थे, और उसके वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में अलग अलग अच्छे अच्छे अनुभव मिले, और जिसको उन्होंने अपनी स्टोरीज के माध्यम से या फिर पोएम्स के माध्यम से उन्होंने लिखना शुरू किया, और उनके कुछ वर्क्स जो है जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। तो रुडयार्ड किपलिंग की जो फेमस वर्क है उनमें एक है जंगल बुक, द जंगल बुक, जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है,
और उसके बाद में ये एक बुक है किम, ये भी बहुत पॉपुलर बुक है, तो ये भी उनके फेमस बुक में से एक है। पर ये जो स्टोरी हमने जो पढ़े रिवर्स एंड थियरीज करके उनकी जो बुक है जो 1910 में छपी थी उसमें ये पोयम थी। आई होप आपको पूरी पोयम समझ में आई है। अगर आपको ये पोयम समझी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइए।